हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एवं परिपथ सर्किट के बारे में जान लेते हैं कि जो विद्युत धारा एवं परिपथ क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो विद्युत धारा को I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो I इक्वल क्यू बाय टी। तो क्यू यहां पर क्या है? क्यू यहां पर आवेश है और जो टी है वह दर या समय है। तो यहाँ पर I किसको रिप्रेजेंट, अर्थात I किसको दर्शाता है? तो वह I विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। ओके, तो विद्युत धारा इक्वल आवेश बटे समय, I इक्वल क्यू बाय। तो जैसे कि आप लोग इस फार्मूला से भी याद कर सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। ओके, और इसमें याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर जिसको ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, परिपथ या विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम। तो यहाँ पर क्या है, एक विद्युत धारा की क्या है, सतत, अर्थात इसमें जो विद्युत की धारा जो आवेश है वो क्या है, सतत अर्थात सतत प्रवाहित थी, तथा ये क्या है, एक बंद परिपथ था, कोई विद्युत परिपथ कहते हैं। ओके, और इसमें याद रखिएगा कि जो परिपथ के टूट जाने से जो विद्युत धारा का जो प्रभाव है वह खत्म हो जाता है। कैसे? मान लो यहाँ पर इससे भी क्या है, एक परिपथ, यहाँ पर मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, टूट जाता है, अर्थात यहाँ से इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह वहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं हो पाएगा, अर्थात ये क्या है, बंद परिपथ नहीं होगा, अर्थात इसमें जो विद्युत आवेश का जो प्रवाह पूरे सर्किट में नहीं जा पाएगा। इस कारण से जो परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का जो प्रभाव है वह खत्म हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एवं परिपथ सर्किट के बारे में समझ आया होगा कि जो विद्युत धारा एवं परिपथ क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ आसान विद्युत परिपथ बनाने सीखे हैं, तो आई होप आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा है कि किस प्रकार से हम लोग आसानी से विद्युत परिपथ बना सकते हैं। क्या आप एक तार, एक बल्ब व एक बैटरी द्वारा पूर्ण परिपथ बना सकते हैं? तो नहीं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तार लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है, तार है, एक बल्ब लेते हैं वह एक बैटरी द्वारा पूर्ण परिपथ बना सकता है, और एक बैटरी लेते हैं। तो बैटरी को इस प्रकार से डिनोटेट किया जाता है, यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। ओके, तो क्या हम इन तीनों को कनेक्ट करके क्या कोई परिपथ बना सकते हैं? तो नहीं। आप इन सभी को कितने प्रकार से जोड़कर दिखा सकते हैं? ध्यान रहे कि आपको तार का केवल एक ही संयुक्त टुकड़ा उपयोग में लेना है, एक ही संयुक्त अर्थात एक ही टुकड़ा हमको क्या है, उपयोग में लेना है। तो क्या हम लोग तार का एक ही टुकड़ा उपयोग करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या, बल्ब एवं इसको, या बल्ब परिपथ बना सकते हैं क्या? तो नहीं। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें क्या है, मीटर है, बैटरी है एवं सेल। इसको कनेक्ट करने के लिए क्या है, एक से अधिक तारों का उपयोग किया गया है, जैसे कि अमीटर से बैटरी, बैटरी से सेल और सेल से अमीटर। इस प्रकार से अधिक तारों की आवश्यकता होता है। इस प्रकार से हम लोग एक तार, एक बल्ब व एक बैटरी द्वारा पूर्ण परिपथ नहीं बना सकते। इस अध्याय में हम विद्युत की कई अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। ओके, तो इस अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में हम लोग क्या है, बहुत सारे विद्युत की अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि विद्युत दो स्वरूपों में पाया जाता है, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। तो आई होप आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो विद्युत क्या है, दो स्वरूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? तो पहला स्थिर विद्युत और दूसरा है धारा विद्युत।
स्थिर विद्युत, विद्युत का वह स्वरूप है जिसमें विद्युत आवेश अपने स्थान पर स्थिर रहता है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है स्थिर अर्थात स्थिर। तो स्थिर विद्युत क्या है, तो जो विद्युत के आवेश होता है वह अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है, उसको स्थिर विद्युत कहते हैं। परंतु धारा विद्युत में विद्युत आवेश गतिशील होते हैं, किंतु जो धारा विद्युत होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है, अर्थात इसके जो विद्युत के आवेश होता है वह गतिशील से होते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करता है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। स्थिर विद्युत के बारे में हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो क्लास 9 में आप लोगों ने स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ा होगा। इस पाठ में हम धारा विद्युत के बारे में ही पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग इस पाठ में धारा विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो विद्युत धारा एवं परिपथ क्या होता है। इसके साथ ही आप लोगों समझ गए होंगे कि जो स्थिर विद्युत एवं धारा विद्युत क्या होता है। तो स्थिर विद्युत और धारा विद्युत को इसके नाम से स्पष्ट रखिएगा कि जो स्थिर विद्युत अर्थात स्थित और धारा विद्युत अर्थात गतिशील। जो स्थिर विद्युत होगा इसमें जो विद्युत का आवेश होगा वह स्थित होगा, किंतु जो धारा विद्युत है उसमें विद्युत के आवेश होता है वह गतिशील होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।